नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं हूँ ऋचा। डिवाइन विजन अर्चा पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो माय स्वीट प्रेशियस एप्पल पाइज, शुगर पाइज, हाउ आर यू गाइज, ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? एंड आई होप अपना ख्याल रख रहे हो, स्वस्थ हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये हमारा विश्वास है, हमारी पॉजिटिविटी है, हमारी विल पावर यानी कि दृढ़ निश्चय है, जो हमें मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम से, मुश्किल से मुश्किल वक्त से भी बाहर निकाल के ला सकता है। ये बात याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग एंड ऑफ कोर्स ये रीडिंग तो करनी होती है फॉर एवरी मंथ। एंड आई एम हियर विद दिस रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय लॉयल सब्सक्राइबर्स एंड द न्यू सब्सक्राइबर्स, द न्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली। थैंक यू सो मच आपके इतने मान सम्मान, स्नेह, आदर के लिए। मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। एंड थैंक यू सो मच। एंड इस रीडिंग के बाद मैंने पॉल में जो पोस्ट किया था, तीन टॉपिक्स पोस्ट किए थे, एक मैं कर चुकी हूँ, बाकी के दो भी मैं लेकर आऊँगी, ठीक है? तो वन बाय वन, ओके। सो आई एम हियर विद द ऑगस्ट रीडिंग एंड आई हैव टू पाइल्स, ठीक है? दो पाइल्स रखे हैं मैंने, तो दो पाइल्स में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पूरी रीडिंग लिख सकते हो, ठीक है? ओके, सो क्या होने वाला है अगस्त 2022 में आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं एंजल्स की तरफ से, और आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है वो हम रोमांस एंजल्स डेक में से देखेंगे, एंजल डेक में से अलग से देखेंगे, और टैरो में से अलग से देखेंगे, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द फन, ओके, एंड समथिंग सीरियस, ओके, बिकॉज लाइफ में कुछ सब चीज़ें मजाक नहीं होती, सीरियस होती हैं, ठीक है? तो जी, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो मोटिवेशनल वीडियो के लिए भी किसी ने रिक्वेस्ट किया है, तो आई एम प्लानिंग टू कम अप विद अ मोटिवेशनल वीडियो, ज़रूर मैं लेकर आऊँगी, इट्स इन द पाइपलाइन, ओके। सो चलिए, क्योंकि मुझसे ना फ्रेंड्स, मैं, आपने कभी भी नोटिस किया हो, मेरे एक्सप्रेशंस ना बड़ी जल्दी चेहरे पे आ जाते हैं, मैं जो फील करती हूँ मैं वही हूँ आपके सामने, मुझसे कोई टेंशन बिल्कुल नहीं होता। लाइफ में एक चीज़ सीखी, वो ये है कि जैसे है वैसे रहो, कभी प्रटेंशन करना नहीं सीखा, ठीक है? तो इस वजह से कई लोगों को बुरा मान जाते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है? और जो एक्सेप्ट करते हैं उस रूप के साथ, अच्छी बात है, ठीक है? क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो वी विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, ओके, सॉरी। सो विदाउट फर्दर डू, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आप सबको, मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स को, कि आपके इतने मान सम्मान, स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आपने दिल की बात सुनी, आपका दिल भी यही कह रहा है, ठीक है? सो आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, हमें बहुत खुशी होगी। और इट्स अनदर वे ऑफ अप्रिशिएटिंग द रीडर, माय एफर्ट्स, यू नो, इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द रीडर, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, या एंड ले आइए अपने लव्ड वंस को, सबको बताइए, पता चलना चाहिए सबको कि क्या होने वाला है अगस्त मंथ में उनकी लाइफ में, ठीक है? सो ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव फॉर सिलेक्शन इज सक्सेस, सक्सेस, ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव फॉर सिलेक्शन इज सक्सेस, ओके, द सेकेंड कार्ड फॉर पाइल टू इज, सेकेंड कार्ड सेलेक्टेड फॉर पाइल टू, ओके, दिस इज पाइल वन सक्सेस, दिस इज पाइल वन सक्सेस, दिस इज पाइल टू रोमांस, ओके। आप इमेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कलर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कार्ड्स के नाम बता रहे उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है? सो पाइल वन, पाइल टू, ओके, पाइल वन इज सक्सेस, पाइल टू इज रोमांस, ओके। सो
So close your eyes, take a deep breath, and universe, God, se khuda se kahin se aapko le jaye, aapko direct kare. So friends, I have अपने select कर लिया है, नहीं तो आप video pause कर सकते हैं to for more time if you need more time, ठीक है? So yeah. So for those of you जिन्होंने pile one select किया था, यानी कि success card, okay? तो angels कहना चाह रहे हैं कि आपके rewards आपको मिलने वाले हैं, आपकी मेहनत हमने notice की है, आपकी मेहनत, आपके अच्छे कर्म waste नहीं जाएंगे. Success is on the way. Yeah? Okay. चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में अगस्त 2022 में. ओके, दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, सबके लिए है. ओके, और टाइम बेस्ड रीडिंग है क्योंकि अगस्त मंथ के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास आया है, वाओ, नाइट ऑफ कप्स. Knight of Cups. If you cannot see the cards, please excuse me due to the lighting and reflection. I'm telling you everything. The Empress. The Empress. Okay. Knight of Swords. Knight of Swords हमेशा हड़बड़ाहट में ही रहता है. कार्ड भी गिर गया था इसका. Okay. Ace of Swords. Okay. Then we have the Hermit. King of Wands, Four of Coins, and Princess of Cups. Okay, all right. मुझे जो messages आ रहे हैं वो ये हैं कि आपकी लाइफ में क्विक चेंजेस आने वाले हैं. ओके, एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, मैरिज प्रपोजल या रिलेशनशिप प्रपोजल भी आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है? और मुझे मैसेज आ रहा है कि जो मैरिड वुमेन कंसीव करना चाह रही थी, उनको कंसीव के भी चांसेस हैं, चाइल्ड बर्थ के चांसेस हैं आपके, चाइल्ड कंसीविंग के. और ट्रैवल करना चाह रहे थे, ट्रिप के लिए जाना चाह रहे थे, तो ट्रैवलिंग के भी आपके चांसेस हैं, ठीक है? ओके, प्रमोशन चाह रहे हो, प्रमोशन के भी चांसेस हैं. ओके, और मनी को सेविंग इज गेटिंग, तो कृपया करके सेविंग पे फोकस कीजिए अपनी, और स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स पे कम फोकस कीजिए अपना, ठीक है? और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स उनको कट आउट कर दीजिए, ठीक है? मुझे ये मैसेज आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड से कि आपका लकी टाइम शुरू होने वाला है. फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, लाइक धीरे धीरे, एंड यू विल नोटिस देम, राइट? धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि लाइफ में चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं आपके फेवर में, ठीक है? ओके, उसके लिए फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो ये होती है, कभी कभार मैं इस तरह के कमेंट्स पढ़ने में आते हैं कि हम कब से सभी की रीडिंग्स देख रहे होते हैं और सभी रीडर्स कहते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, पर वो होता नहीं है. वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी काफ़ी वजह होती है. एक वजह तो ये है कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको वो चीज़ मिलनी है, समय नहीं आया अभी. दूसरे उसका वजह होता है आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका सोचने का तरीका. देखिए, अब हम डिवाइन टाइमिंग के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है?
तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आपको चेंजेस दिखने शुरू होंगे. और जो है जस्ट लर्न टू लेट गो. ठीक है फ्रेंड्स, सो ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप इसी उसमें अटके रहोगे कि मैंने रेमेडीज़ करी हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहे, या क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा खुद में पॉजिटिव शिफ्ट लाइए, चेंज लाइए, आपको ज़रूर चेंजेस दिखने शुरू होंगे. ठीक है, ओके. सो मुझे लव लाइफ की बात करें तो वैसे हमारे पास रोमांस एंजल्स देखने से मैं देखने वाली हूँ, लेकिन मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, एक तो करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास. अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें विंडफॉल आ रहा है, ब्रेक थ्रू आ रहा है. ओके, जॉब लग गई है किसी की नई. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो उसके चांसेस हैं, चाइल्ड कंसीविंग के चांसेस हैं. ठीक है, और मुझे विजन आ रहा है कि कोई अपनी मॉम से आपको मिलवा रहा है, अपनी मॉम को बता रहा है आपके बारे में. ठीक है, ये आपकी जिन पर्सन के बारे में उसके आप सोच रहे हो वो पर्सन हो सकते हैं ये. ठीक है, या कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, ऐसा मुझे मैसेज आया. ठीक है, कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए शादी के लिए. ठीक है, सो इसके अलावा अगर आपके घर में बड़े बूढ़ों की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसमें सुधार आएगा. ठीक है, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार आने के चांसेस हैं. हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा हर्मिट मोड में जाएं, लाइक यू नो कि मुझे इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आत्मचिंतन के लिए आप हर्मिट मोड पे जाएं. ठीक है, कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं, ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है. ठीक है, किसी को आप ब्लॉक कर रहे हो अपनी लाइफ से. ठीक है, और इसका ऑपोजिट मैसेज मुझे आ रहा है कि किसी ने आपको ब्लॉक किया था, हर्मिट मोड में वो पर्सन थे, तो अब उनके हर्मिट मोड से वापस बाहर आने के चांसेस दिख रहे हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ में ही बाहर आ जाएंगे हर्मिट मोड से, कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ, सितंबर मंथ में, अगस्त के नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ में वापस आने के चांसेस हैं आपकी तरफ. ठीक है, कोई मेल फिगर है जिनका आपको करियर में या पर्सनल लाइफ में सपोर्ट मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छी पोजिशन पर हैं, काफ़ी अच्छे ओहदे पर हैं, और ये पर्सन या तो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं या फिर ये पर्सन जो है कमिटेड हैं ऑलरेडी. ठीक है, और मुझे मैसेज आ रहे थे आप इनको पसंद करते हो. ठीक है, तो यूनिवर्स स्पिरिट कह रहे हैं यूनिवर्स पे छोड़ दो. ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंसेस में सुधार आता हुआ दिख रहा है. ओके, अगस्त मंथ में ऑल राइट, कम्युनिकेशन आ रहा है, किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन आ रहा है आपका. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग इज कि अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे तो आपको थोड़ा आत्मचिंतन करोगे, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली आप जो है ना सेल्फ लव करना शुरू करोगे. यू गोइंग टू स्टार्ट नर्चरिंग योर सेल्फ. ओके, यू गोइंग टू स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ. ओके, एंड के कुछ बर्थडे भी मुझे किसी का दिख रहा है. ओके, सो आपकी मॉम या मदर फिगर या सिस्टर की तरफ से, एल्डर सिस्टर, कोई फीमेल या कोई फ्रेंड भी हो सकती है आपकी, जिनसे आपको गिफ्ट मिल रहा है, कोई स्पेशल गिफ्ट है. ठीक है, सो ये इस तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं. एक पर्सन है जिन्होंने आपको, मुझे स्पिरिट बोल रहे दुखी कर रखा है, तो एक पर्सन है जिन्होंने अगर आपको दुखी कर रखा है, आप उनको या तो कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से, या आप उनसे क्लोजर मांगोगे, क्लैरिटी मांगोगे, या आप उनको क्लैरिटी दे दोगे कि भाई ये सिचुएशन है. ठीक है, मुझे आप किसी को सबक सिखाते हुए भी दिख रहे हो, चैनल मैसेज था ये. ठीक है, किसी को सबक सिखाते हुए भी दिख रहे हो आप मुझे इस महीने. ठीक है, ओके, स्पिरिट इज ऑल्सो टेलिंग मी कि किसी को कर्मा मिलने वाला है, और जिसने आपको परेशान किया था उसको कर्मा मिलने वाला है. ठीक है, ये मैसेज आया है. ओके, सो फॉर दोज ऑफ यू जिनका बर्थडे आता है अगस्त मंथ में, हेलो अगस्त इज, हाउ आर यू, वेलकम टू द अगस्त क्लब, आई एम ऑल्सो एन अगस्त ई, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू. या तो ऑल थिंग्स गुड सॉर्टेड. ओके, ओके,
चलिए, किसी का आपके ऊपर क्रश भी होने वाला है भाई, आप खुद को पैम्पर शैम्पर करोगे तो क्रश तो होंगे ना लोगों के फिर ओके अगर आप अपना ही कुछ काम करते हो तो उसमें आपको कुछ नए आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप बनाते हुए दिख रहे हो, और आपको नेम और फेम मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। फ्रेंड्स याद रहे, जनरल रीडिंग्स होती है ये, एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। या द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज रिलीजियस फैक्टर्स। ओके, एक्सप्रेस योर लव। ओके, ट्रस्ट। ऑलराइट, सो एज इज एविडेंट, कोई आप किसी से अगर प्यार करते हो, वो पर्सन आप आपके पेशेंस बहुत टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स विद यू। या तो वो पर्सन हो सकता है डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस कुछ हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस। ओके, आपको अब इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, मुझे मैसेज आ रहा है कि पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, डिस्टेंस मेंटेन किया है आपसे ऑल ऑफ अ सडन, बिना क्लैरिटी दिए, कुछ तो ऐसा है, कम्युनिकेशन बंद किया है। ठीक है, तो आपको जो है आपको क्लोजर क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मुझे अब उनको आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, तो आप उनको ऐसे अलाउ नहीं करने वाले अब। ओके, तो आपसे स्पिरिट कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए, कम से कम खुद पे और अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट कीजिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करो किसी पे, कभी नहीं कहती। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, बट टेक योर माइंड विद यू, टेक योर ब्रेन विद यू। ओके, रिमेंबर दैट। ओके, ये पर्सन मुझे मैसेज आ रहा है कि व्हेन दे विल कम बैक टू यू एंड दे विल एक्सप्रेस देयर लव टू यू। ओके, या किसी की तरफ से आपको लव कन्फेशन आ रहा है अगस्त के मंथ में। ओके, ये आपको बस ट्रस्ट रखना है कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपको भी ट्रू लव मिलेगा और वो आपको पर्सन अपनी फीलिंग्स आके एक्सप्रेस करेगा, तो आपको जो है वो पर्सन लव कन्फेस करने वाला है कोई। ठीक है, ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो हो सकते हैं, और मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई और पर्सन हैव देयर आइज ऑन यू, समबडी एल्स हैज योर आइज ऑन यू एंड आपको भी पता नहीं है, तो वो पर्सन लव कन्फेस करने वाले हैं आपको। ठीक है, दूसरा थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड कीजिए, और दूसरा रिलीजियस यानी कि अपनी जो रिलीजन की बुक्स हमको रीड कीजिए, और इससे जो है आपको कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे रिलीजन की जो होली बुक्स होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनमें हमारे सवालों के जवाब छुपे होते हैं। ठीक है, हमारी समस्याओं के हल छुपे होते हैं, हमें सिर्फ वो पर्सपेक्टिव चाहिए कि हम सोल्यूशन निकालें, उनको पढ़ें और सोल्यूशन हमें अपने आप मिल जाता है शांत मन से पढ़ें तो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि भगवान से प्रेयर्स कीजिए, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़िए, और वो अपने आप भगवान आपकी सुनेंगे, और जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। ठीक है, दूसरा मैं पर्सनली इसको मैरिज का कार्ड भी मानती हूँ, तो जो है लव एक्सप्रेस करने के साथ साथ आपको मैरिज का प्रपोजल भी आ रहा है कोई। ठीक है, रिश्ता आ रहा है आपके लिए, ऐसा मैसेज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ योर लव लाइफ इन ऑगस्ट। ओके, सो अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा था, ओके, या कोई डाउट था, ठीक है, तो उसका जवाब अभी है नो, फिलहाल नो है। ठीक है, और मोर और लेस ये कोई डर बैठा हुआ है आपके मन में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके मन में डर बैठा हुआ है कोई, उसका जवाब नो है। स्पिरिट कह रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो उसे भी अच्छा आपको मिलेगा ना, तब आप शुक्रिया अदा करोगे आप। ओके, स्पिरिट ये भी कह रहे हैं कि जो चीज़ अगर आपने कोई किसी पर्सन के लिए विश मांगी थी और उसके लिए नो आया है, तो वो स्पिरिट कह रहे हैं कि अगर आपको वो पर्सन नहीं मिले तो आपको समय रहते मैं वजह भी बताऊंगा क्यों वो पर्सन आपकी किस्मत में मैंने नहीं लिखा इस जन्म में, क्यों वो पर्सन आपको नहीं मिले इस जन्म में। ठीक है, ये स्पिरिट बता रहे हैं आपको कि आपको वजह भी पता चलेगी कि क्यों वो पर्सन
के साथ आपका यूनियन नहीं हुआ, ठीक है, वो वजह भी आपको बताएंगे, स्पिरिट, एंजल्स, मैसेजेस, यूनिवर्स, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू भी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट कार्ड आई हैव इज आस्क योर एंजल्स. देन आई हैव फॉरगिवनेस. ओके, देन आई हैव लुक फॉर अ साइन. ओके, सो आस्क योर एंजल्स फॉरगिवनेस एंड लुक फॉर अ साइन कार्ड ये कह रहे हैं कि आपने जो सवाल सेंड किए हैं यूनिवर्स में, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने सेंड किए हैं यूनिवर्स को, एंजल्स से पूछे हैं, सवाल हैं, प्रेयर्स हैं, डाउट्स हैं, विशेस हैं, जो भी आपने यू कास्ट देम ओवर टू द यूनिवर्स, ठीक है, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, सॉरी मैं भाग दौड़ कर रही थी थोड़ी सी पहले, हाँ, तो वो एंजल्स आपको साइंस दिखाएंगे. ओके, एंजल्स आपको साइन दिखाएंगे और यू हैव टू पे अटेंशन टू दोस सिंक्रोनिसिटीज एंड दोस साइंस दैट यू सी. ओके, एंड कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, फॉरगिवनेस के लिए कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो जी ठीक है, वैसे आपके ऊपर है, बट मैं तो विश्वास रखती हूँ कि माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है. वो कहते हैं ना कि जब माफ़ कर देता है उसका दिल तो बहुत ही बड़ा होता है, तो कहते हैं कि अगर हमसे गलती हो गई है तो आपका, आप माफ़ कर दोगे तो आपका दिल तो बहुत ही बड़ा, आप बड़े बनोगे ना हमारे आगे, क्या कह रही हूँ, है ना, समझ लो कि अगर एक पर्सन बैठा है वो गलती करके बैठा है कोई, तो अगर सामने वाला उसको माफ़ कर रहा है तो वो बड़ा हो गया ना उससे, ठीक है, उसका दिल भी बड़ा है, ठीक है. तो ये चीज़, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है दोस्तों, तो ये रूठने मनाने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए, रूठने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए, यू नेवर नो कि कल क्या हो, ठीक है. सो मना लीजिए उसको, बात कर लीजिए उससे जिससे बात करना चाह रहे हो, दिल की बात कहना चाह रहे हो कह दो, यू नेवर नो कि कल क्या हो, ठीक है. सो तो ये आपकी होती है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर. मेडिटेशन करोगे तो एंजल्स आपको बताएंगे कि क्या आपके सवालों के जवाब हैं छुपे हुए हैं, ठीक है. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल वन, आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई. थैंक यू सो मच. हेलो पाइल टू, कैसे हो आप सब, स्वस्थ हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, आई होप सो. ओके, चलिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये कार्ड, रोमांस. सो ट्रू लव इज़ एंटरिंग योर लाइफ, आपको पता होगा मैं ये कहने वाली हूँ, ठीक है. ट्रू लव इज़ एंटरिंग योर लाइफ, रोमांस, अगर आप मैरिड हैं तो रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है. मैरिड लाइफ में रोमांस अगर चला गया था, दफ़ा हो गया था, तो वापस आ रहा है, ठीक है. जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, जो रूठने मनाने का जी गेम चल रहा है जिनका, वो वापस आ सकते हैं, आई डोंट, ठीक है. तो चांसेस तो है, मेरे मुंह से निकला है तो वो पर्सन सोच रहे वापस आने का, हाँ, लेकिन रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में वापस, ठीक है. सो ये मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए. चलिए अब देखते हैं हम लव और एंजल कार्ड्स, रोमांस एंजल्स और एंजल डेक्स बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं आपके लिए ये टैरो कार्ड्स, ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव, पहले कुछ और कार्ड मैं सेलेक्ट करना चाहूँगी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसमें भी आया नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स. आप देख रहे हो मैंने दूसरे डेक यूज़ किया है और ये प्री शफल्ड कार्ड्स थे. टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये हैं कि यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम अ सिचुएशन विच इज़ इमोशनली ड्रेनिंग यू. ओके, आप किसी से मूव ऑन करने वाले हो, कहीं शिफ्ट करने वाले हो, कहीं रिलोकेट करने वाले हो, ठीक है, कोई विजिटर आने वाला है आपके घर पे,
ठीक है, गेस्ट आने वाले हैं, और आप कहीं हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करने वाले हो, या फिर आप अब्रॉड इमिग्रेशन के लिए फ़ाइल करने वाले हो या कर चुके हो, तो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और किसी रिलेशनशिप को गुड बाय बोलने वाले हो, यू गोइंग टू मेक वे फॉर समवन न्यू, ओके ओके। सो दूसरा मुझे दिख रहा है कि सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, बर्थडे पार्टीज़ या गेट टुगेदर्स, या किसी की शादी की बात फिक्स हो रही है, ठीक है, रिश्ता आया है किसी के लिए, तो सेलिब्रेशंस का मंथ है, ठीक है। वैसे भी सेलिब्रेशंस का मंथ है, जन्माष्टमी है जी, रक्षाबंधन है, तो एंड छाटा बर्थडे, ओके, जस्ट किडिंग, नहीं नहीं है बर्थडे, 11 अगस्त को बर्थडे है, विशेष आनी जी हमेशा की तरह, ओके, थैंक यू इन एडवांस। ऑलराइट, चलो जोक्स अपार्ट, आप जो है कोई नया स्किल सीखेंगे, कोई नया सर्टिफिकेशन, नया कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं, एंड उसके अलावा आप कहीं कॉन्सर्ट में, गेट टुगेदर में आप जा रहे हो, कोई लाइव शो अटेंड कर रहे हो, कोई आपको मिलने के लिए बुला रहा है, कोई डेट्स हो रही हैं, हाँ, और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी का, करियर विंडफॉल का आप वेट कर रहे हो, तो वो आपकी तरफ स्लोली आते हुए दिख रहा है, यानी कि फ्रॉम द सेकेंड थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट हो सकता है आपको जॉब मिल जाए जो आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्टिवली सर्च कीजिए पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, एंड गिव योर बेस्ट, ऑलराइट। उसके अलावा अगर आपको लग रहा था कि आपको किसी की बुरी नज़र लगी है, तो जी, यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन में हो आप, ठीक है, यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है, आपके पास आर्कएंजल माइकल की स्पेशल डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ओके। उसके अलावा खर्च पे लगाम लगाइए, और कोशिश कीजिए कि यू नो पैसे कमाएं ज़्यादा और खर्च कम करें, ठीक है। और कुछ एक्विजिशन दिख रहा है मुझे आपका, यानी कि कुछ परचेज कर रहे हो आप इस मंथ, ठीक है, और कुछ लोग तो बहुत कुछ बड़ा परचेज कर रहे हैं, बिग परचेज आर मेकिंग दिस मंथ, ओके। एंड जो पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए थे, वो पर्सन एंट्री मारते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि सिर्फ सुनना ज़्यादा, बोलना कम, और जब बोलना तो इस तरह से तोल मोल के बोलना कि आपकी ऐसा ना हो कि वो आज स्पीड से आए, स्पीड से चले भी जाएं, समझ रहे हो आप, तो अपनी बात कहनी है तो तोल मोल के बोलना, ठीक है, और कहना चाह रहे हो भड़ास निकालनी है उस पर्सन के ऊपर, जो भी उसने काम ही ऐसे करें, तो इस तरह से भड़ास निकालना कि पहले सुन लेना अच्छे से, फिर जब आपके कंट्रोल में सिचुएशन आ जाए तो तोल मोल के फिर सरकास्टिकली बोलना उसको, ये स्पिरिट बोल रहे, मैं नहीं बोल रही, ओके। तो इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि बिजनेस में आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, विंडफॉल दिख रहा है मुझे, हेल्थ आपकी, इमोशनली आप थोड़ी डिटैच दिख रहे हो, या फर्स्ट हो सकता है कि कुछ दिन आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे, कुछ दिन आप बहुत ही सैड फील करोगे, या मन जैसे उचाट सा हो रहा है, लेकिन फाइनली टुवर्ड्स द सेकंड थर्ड वीक ऑफ स्पेशली टुवर्ड्स द थर्ड वीक ऑफ अगस्त कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, और आप बहुत खुश होने वाले हो, गोना बी वेरी इलेटेड, ओके, एंड बहुत खुश होने वाले हो आप। कमिटमेंट का ऑफर भी किसी की तरफ से आ सकता है आपको, ठीक है, और जो पर्सन चले गए थे आपको कमिटमेंट का ऑफर दे सकते हैं। मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं कि एक तरफ से आपको रिलेशनशिप का ऑफर आ रहा है, एक तरफ से आपको मैरिज का ऑफर आ रहा है, तो रिलेशनशिप प्लस मैरिज दो ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, ओके। सो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, यू आर मूविंग टू बेटर चैप्टर ऑफ योर लाइफ, सेविंग इज अर्निंग, किसी को अगर लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो आप लेट गो करने की कोशिश करोगे, या सच को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, और कोई नया पर्सन एंट्री मार रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। करियर में और मेहनत कीजिए, आपको सुधार होता हुआ दिखेगा, आपको अभी मेहनत का टाइम है, रिजल्ट के बारे में सोचने का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब, उनको चांसेस दिख रहे हैं, स्लोली मिलेगी लेकिन आपको मिलेगी, ठीक है, जॉब, ओके। सो इमोशंस को बैलेंस करके रखेंगे आप, और जैसे मैंने कहा कि टुवर्ड्स थर्ड वीक आपके इमोशंस अपने आप ही बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा फर्स्ट सेकेंड वीक तक ऊपर अप्स एंड डाउन इमोशंस में मुझे थोड़ा दिखा, ठीक है। सो पेंटिकल से काफ़ी कार्ड्स आए हैं, तो
मुझे ये आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो और स्टेबिलिटी की बहुत चाह है आपके मन में कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, बस अब ठीक है, और उसकी करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है, ओके, सो वर्कहोलिक सुनाई दिया मुझे, ठीक है, सो चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द योर लव कार्ड्स, ओके, रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं. फ्रेंड्स रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव यू नो लीव द रेस्ट, ओके, बाकी आप उसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हो, ठीक है. ओके द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज द वर्थ वेटिंग फॉर, पैशन, forgiving and learning, attraction. Okay, so worth waiting for, जिसका आपको इंतज़ार है. I wrote this quote somewhere on, I wrote this quote on your quote, कि hold the door if you must, but don't hold your life open for any, don't hold your life for anyone. Yeah, hold the door open if you must, but don't hold your life for anyone. Okay. सो अपनी वेट कर रहे हो किसी का, तो अट्रैक्शन का कार्ड मेरे लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो बताता है कि सेल्फ लव कीजिए. मैं बोल बोल के थक जाती हूँ. सेल्फ लव कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस रेज कीजिए. एन्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रोना धोना, बार बार उसी के बारे में सोचते रहना, कब कॉन्टैक्ट आएगा, फ़ोन को देखते रहना, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ. जैसे पहले जोविल जोबी सेल्फ फ्री स्पिरिटेड सेल्फ से ना आप वैसे बन जाओ. Happy, confident, positive people attract all the time. They're a magnet. Okay? So, that's a message for you. Okay? You're going to be attracting new people towards you. बहुत नए लोगों को आपसे attraction होने वाला है, और कोई आपसे already attracted है. हो सकता है वो आपसे जाहिर भी कर दे अपनी feelings. ठीक है, और आपको कुछ सिंगिंग डांसिंग अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड करने वाले जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपको भी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, कि आप पहले खुद को माफ़ करें, फिर आपकी जो पर्सन जिनसे आपका रूठना मनाने का चल रहा है उनको माफ़ करें. ठीक है, वो आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं इस मंथ. ओके, सो मुझे सुनाई दिया, कोई कह रहा है कि मजाक कर रहे हो, माफ़ी मांगेगा. कोई कह रहा है कि मैं माफ़ नहीं करूँगी. मुझे अलग अलग चैनल में से इंतजार है. ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिसका आपको इंतज़ार कर रहे हो वो पर्सन आएंगे, डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे. अब डिवाइन टाइमिंग के लिए कुछ कर नहीं सकते. आप जितना अपना सेल्फ लव करोगे उतना जल्दी वो इंसान आपकी तरफ आएगा. अपना हीलिंग वर्क करोगे उतना जल्दी वो इंसान आपकी तरफ आएगा. ठीक है, यू विल फाइंड मेनी फ्री हीलिंग वीडियोज, ASMR वीडियोज ऑनलाइन ऑन यूट्यूब. ओके, सो पास का बैगेज भी लेके मत चलो, उससे भी आपकी प्रेजेंट लव लाइफ पे फर्क पड़ रहा है. ये मैसेज था किसी के लिए. चलिए अब देखते हैं कि आपके एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं. ओके, हेल्पफुल पीपल, बिग हैप्पी चेंजेस. वाओ, ट्रस्ट, अबंडेंस. वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस. एंड आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, अबंडेंस आ रही है. और की चाहिदा, और क्या चाहिए लाइफ में? हाँ, ओके, मुझे सुनाई दिया कोई कह रहा ट्रू लव चाहिए. ओके, तो अबंडेंस और बिग हैप्पी चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में आते हुए. एंड हैप्पियर टाइम्स आर अहेड, अच्छे दिन आने वाले हैं. ओके, एंड उसके अलावा कुछ लोग आपकी हेल्प करने को भी रेडी हैं. एंड आप किसी से हेल्प अगर मांगते हो, मैं तो कहूँगी कि सेल्फ रिलायंट ही होना चाहिए हमेशा. बट अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो थोड़ा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके देखिए, फिर उसकी हेल्प एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको लगता है तो. ठीक है, और ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स पे, खुद पे, विधाता पे ट्रस्ट रखिए, अपनी काबिलियत पर ट्रस्ट रखिए, अपने कनेक्शन पे, किसी के साथ कनेक्शन हो तो उस पर ट्रस्ट रखिए. ट्रस्ट एक बहुत बड़ी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है इंसान की. ठीक है,
ट्रस्ट रखो कि आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में तो आएंगी, ठीक है। व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम, ओके। सो ऑल राइट, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू गेट, ऑल राइट। सो पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन द वे, बिग हैप्पी चेंजेस और अबंडेंस कार्ड एक साथ कभी नहीं आया, पहली बार आया, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल, एंड हम इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर करके बेल बटन प्रेस कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई, थैंक यू सो मच, ओके। सो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है थैंक यू यूनिवर्स बोथ द पाइल्स, सो आपकी जो यूनिवर्स हैं वो आपकी जो विशेस हैं वो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे उन विशेस से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, एंड आई सी यू अनदर वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर, चाओ, सी यू नारा।